एवरीवन, नमस्ते. कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूँ. तो मैं आई हूँ गाँव, आपको मेरे पिछले व्लॉग से पता लग गया होगा. और अब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जाएंगे शादी को. तो मैं सिंपल सा मेकअप करूँगी अपना, कुछ खास मेकअप नहीं करूँगी, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि गाँव में अच्छा नहीं लगता है इतना हैवी मेकअप. और मैं लेके आई अपनी रेड वाली फ्रॉक्स, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ लास्ट में वीडियो के. तो चलो चलते हैं, और मैं आपको शादी में जो भी कुछ इंटरेस्टिंग कुछ भी रसम्स होगी जो मुझसे शूट हो पाएगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. तो आज की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये देखिए कितने अच्छे से मैंने अपनी फ्रॉक रखी है प्रेस करके, और बाहर बहुत तेज़ गर्मी है. ये पहन रही हूँ मैं, और यहाँ मेरे सामान का खलारा डाला है मैंने. सबसे पहले मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है और सीरम लगाया मैंने अपने फेस पे. उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, सनस्क्रीन लगाऊंगी, देन मैं अच्छा सा मेकअप करूंगी. तो चलो मेकअप कर लेते हैं. तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने छोटे से एयर रिंग्स पहने हैं, ये देखिए, और हाथों में कंगन और बिंदी. लग रही हूँ ना पूरी गांव की लड़की. तो चलो चलते हैं अब शादी वाले घर पे. बहुत अंधेरा है क्योंकि मैंने लाइट्स ऑन नहीं की है. वाह, इतना अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा, गर्मी से राहत हो गई. तो चलो सबसे पहले जाऊँगी मैं अपनी फ्रेंड के घर, उसके बाद मैं जाऊँगी शादी वाले घर. ओह वाह, बहुत ज़ोरों की बिजली चमक रही थी, एकदम से मौसम ख़राब हो गया और बारात बहुत लेट आई. आप देख सकते हो पालकी में कुछ इस तरीके से दुल्हन आती है, और डोला बोलते हैं हमारे यहाँ. और यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड बैठी है, वो हम लोग बहुत गप्पे मारे थे और बहुत लेट हो गए हम लोग गप्पे मारते मारते. कल एकदम से मौसम ख़राब हो गया था, तो फिर मैं नहीं जा पाई शादी वाले घर पर, और ज़्यादा रस्म भी नहीं हुई. आज ही होगी सारी रस्म, और आज मिलने वाले आएंगे, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और अच्छा हुआ जो बारिश होगी, थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाएगी. तो अब आज सेकंड डे है, तो ब्लॉग मैं कल का कंटिन्यू कर रही हूँ. तो चलो अब चलते हैं मेरे साथ शादी वाले घर पे. यस, मिलने का व्लॉग मैंने पहले भी डाला है, पर क्या करूँ, जो मुझसे शूट हो पाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. और अभी हो रहा है जो ससुराल वाले, उनका स्वागत हो रहा है. मैं आपको गिद्धे की क्लिप्स दिखाती हूँ. अब है टी ब्रेक और स्नैक्स ब्रेक. बीच बीच में कुछ ना कुछ मिलता रहता है खाने के लिए, और हम भी थोड़े फ्रेश रहते हैं,
और अभी देखना मुझे और मेरी भाभी को हम ऐसे खपा रहे थे। मेरा मन बहुत कर रहा था डांस करने का। दूल्हा दुल्हन का डांस, और जो जिनको गोदी में उठाया गया है वो है दूल्हे साहब, और दुल्हन को भी गोदी में उठाया है और इनके ऊपर पैसे फेंक रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के सब कुछ, और हम भी खूब इंजॉय कर रहे थे, हमने भी खूब डांस किया। उसके बाद मैं आपको नाटी दिखाऊंगी। अपर साइड से हमारी भाभी है जिनकी शादी हुई, तो वहाँ के लोग नाटी कर रहे थे यहाँ पर आके। तो ये थी डांस की वीडियो, और आज का व्लॉग मैं खाने पे ही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वॉइस ओवर भी मैं बाद में दे रही हूँ, आप देख सकते हो मेरी आवाज़ कितनी भारी हो चुकी है। और खाने में बना था मटर पनीर, कढ़ी चावल, और भी चीज़ें थी, और भी सब्ज़ियाँ थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।